अभिनव हिंदी प्राइमर पार्ट वन व्यंजन प पढ़ो और लिखो रीड एंड राइट। प से पतंग, प से पतंग, पी ए प। यहाँ पे दिए हुए डॉट को जॉइन करके हमें प कंप्लीट करना है। पतंग यानी काइट, उसके बाद नीचे है प पहचान कर सर्कल बनाओ। यहाँ आपको कुछ वर्ण यानी कि लेटर्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको प पहचान के उसके ऊपर सर्कल करना है। यहाँ पहला है प जिस पे सर्कल करो, उसके बाद है स, स के बाद है प से पतंग, इस पे सर्कल करो, उसके बाद है ग, ट, ट, उसके बाद फिर से है प से पतंग, उस पे सर्कल करना है। उसके बाद अगली लाइन में है पहला न, उसके बाद है प से पतंग जिस पे सर्कल करना है, उसके बाद है छ, द, उसके बाद फिर से है प से पतंग जिस पे सर्कल करो, और आखिर में है थ और ड। उसके बाद अगला टॉपिक है पढ़ो रीड। प से पतंग, प से पतंग, उसके बाद है वर्णों में रंग भरो कलर द लेटर। यहाँ पे डबल राइटिंग में जो प दिख रहा है उसमें आपको अपना पसंदीदा रंग भरना है। उसके बाद है बिंदुओं को मिलाओ जॉइन द डॉट्स। यहाँ आपको दिए हुए नंबरों को उसके क्रम से जोड़ के प कंप्लीट करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 टाइम ट्रेस करना है। उसके बाद है पढ़ो और लिखो रीड एंड राइट। प से पतंग, प से पतंग। यहाँ आप देख सकते हो कि सर्कल वगैरह करके इस तरह ये पेज कंप्लीट करना है। उसके बाद अगला पेज है प को प से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो जॉइन प विद द पिक्चर्स विच बिगिन विद द लेटर प। यहाँ आपको जो बीच में प दिया है उसे उसके आसपास दिए हुए चित्रों में से जो चित्र प से शुरू होता है उसके साथ जोड़ना है। ऊपर पहला दिया है प से पलंग, बीच वाले प को पलंग के चित्र से लाइन करके जोड़ो। उसके बाद चित्र है नगाड़ा का, नगाड़ा के बाद चित्र है प से पतंग का, पतंग के चित्रों को बीच वाले प से जोड़ो। उसके बाद चित्र है दर्जी का, नेक्स्ट चित्र है प से पहिया, पहिया के चित्र को बीच वाले प से जोड़ना है। उसके बाद अगला चित्र है पहिए का, प से पहिए को बीच वाले प से जोड़ो, और आखिरी चित्र है दजा का। उसके बाद अगला प्रश्न है प के नीचे रेखा खींचो अंडरलाइन प। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्दों में से हमें प के नीचे लाइन करनी है। पहला है पतंग, पतंग में प पहला है जिसके नीचे लाइन करो। उसके बाद शब्द दिया है दीपक, दीपक में प बीच में है उसके नीचे लाइन करनी है। उसके बाद शब्द है पहाड़, पहाड़ में प पहला है जिसके नीचे लाइन करो। उसके बाद अगली लाइन, पहला शब्द है गणपति, गणपति में प तीसरे नंबर पे है उसके नीचे लाइन करनी है। नेक्स्ट वर्ड है पटरी, पटरी में प पहला है जिसके नीचे लाइन करनी है, और आखिरी शब्द है पगड़ी, पगड़ी में प पहला है जिसके नीचे लाइन करो।
उसके बाद अगला प्रश्न है, प से अलग वर्णों को क्रॉस करो। क्रॉस द लेटर्स अदर देन प। नीचे दिए गए लेटरों में से हमें जो प नहीं है उस पे क्रॉस करना है। नीचे पहला लेटर है प से पतंग, उसके बाद है फ जिस पे क्रॉस करना है, उसके बाद फिर से दिया है प से पतंग, उसके बाद है क जिस पे क्रॉस करना है और लाइन के आखिर में है प से पतंग। नेक्स्ट लाइन पहला लेटर है, पहला है स से षटकोण और दूसरा है स से सूरज। इन दोनों स को क्रॉस करो। उसके बाद है प से पतंग, उसके बाद ग है उसे क्रॉस करना है और लाइन के आखिर में है प। अगली लाइन में पहला है प, उसके बाद दूसरा लेटर है म जिस पे क्रॉस करना है, उसके बाद है य उस पे भी क्रॉस करो, उसके बाद है प से पतंग और लास्ट में है स से षटकोण जिस पे भी क्रॉस करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। पहला चित्र है पहिए का, प से पहिया, प से पहिया। यहाँ प लिख के पहिया वर्ड कंप्लीट करो। उसके बाद चित्र है पगड़ी का, प से पगड़ी, प से पगड़ी। यहाँ पे भी प लिख के पगड़ी शब्द को पूरा करो। उसके बाद चित्र है पलंग का, प से पलंग, प से पलंग। यहाँ भी आपको प लिखना है और पलंग शब्द को कंप्लीट करना है। और आखिरी चित्र है पटाखे का, प से पटाखा, प से पटाखा। यहाँ भी आपको प लिख के पटाखा शब्द को पूरा करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शब्दों में से प पहचान कर सर्कल बनाओ, एंड सर्कल प इन द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उस शब्दों में से हमें प पहचानना है और उस पे सर्कल करना है। पहला शब्द दिया है पटरी, पटरी में प पहला है जिस पे आप देख सकते हो कि सर्कल किया हुआ है। उसके बाद शब्द है पवन, पवन में भी प पहला है जिस पे सर्कल करना है। उसके बाद शब्द है कपड़ा, कपड़ा में प बीच में है उस पे सर्कल करो। इसके बाद आखिरी शब्द है पक्षी, पक्षी में प पहला है जिस पे सर्कल करना है। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह दी हुई सूचनाओं के मुताबिक ये पेज कंप्लीट किया हुआ है। और इसी के साथ ही व्यंजन प यहाँ समाप्त होता है। Thank you for watching this video and like, share and subscribe this channel.